हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चर। आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 इंग्लिश के लिए। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है? आपका इंग्लिश में 70 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ठीक है? अगर आपने जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा ये पढ़ लिया तो आपका 70 नंबर पक्का हो जाएगा। 1 मार्च को आप लोगों का इंग्लिश का पेपर है, और अगर आप पेपर से पहले 10 मिनट का समय है तो ये वीडियो जरूर देखना, ठीक है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इंग्लिश के हर एक टॉपिक इस वीडियो में क्लियर कराने वाले हैं। आज अगर आज देख रहे हो तो आज रात ये पूरा प्रश्न तैयार कर लो जो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। ये है हमारा इंग्लिश का मैराथन वीडियो बच्चों। मैराथन वीडियो का मतलब है सब कुछ एक ही वीडियो में आपका खत्म हो जाएगा, दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले जितने स्टूडेंट देख रहे हैं लाइक जरूर कर देना, शेयर भी जरूर कर देना, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है? अभी हम लोग बहुत सारे मैराथन वीडियो आने वाला है, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है? इससे पहले भी मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ा रखा है, लेकिन ये हमारे डिफरेंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है? थोड़ा अलग है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है, यहां देखो, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया इज द लार्जेस्ट स्टेट इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहां आपको यह बताना है कि यहां जो आप लोगों का अंडरलाइन है स्टेट, ये क्या है? वर्ब है, नाउन है, एडवर्ब है, या फिर एडजेक्टिव है, या प्रोनाउन है, क्या है? ठीक है, आपको यह बताना है जो स्टेट है ये क्या है। तो ये क्या है? ये एक स्टेट है। स्टेट का मतलब एक नाम है, एक जगह है। तो फिर हमारा ये क्या होगा? एक नाउन होगा। क्या होगा? एक नाउन है, ठीक है? ये हमारा क्या है? एक नाउन है। देखो, इसी टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक यहां कह दिया जुलाई इज माय फेवरेट मंथ, तो अब फेवरेट क्या है? अब आपको पता होना चाहिए ना, मैं अभी अगले ही वीडियो में इससे पहले पढ़ा रखा है, ठीक है? तो वो हमारा एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव विशेषता बता रही है, ठीक है? जैसे दिस बॉय इज वेरी ब्यूटीफुल, तो अब यहां ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है, क्योंकि ये विशेषता बता रही है। बस ऐसे अगर आपको तैयार कर लो सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब आप लोग समझो यहां क्या पूछ रहा है। देखो ध्यान से, यहां लिखा हुआ आई, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर यहां क्या भरा जाएगा? दिस बुक सिंस मॉर्निंग, ठीक है? यहां क्या भरा जाएगा जल्दी से आप लोग बताओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैड बीन रीडिंग, या हैज बीन रीडिंग, या हैड बीन रीडिंग, या फिर शैल बी रीडिंग। देखो, ये जो काम हो रहा है वो मॉर्निंग से हो रहा है, ठीक है? मतलब हो मॉर्निंग से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये पास्ट में चला गया, तो हैड बीन रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैड बीन रीडिंग, ठीक है? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है कि यहां डॉट डॉट डॉट, फूड डैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड। यहां आपको आर्टिकल बताना है, ए मतलब आर्टिकल भरना है। नो आर्टिकल रहेगा, एन रहेगा, ए रहेगा, द, क्या भरा जाएगा? तो यहां आपका रहेगा द फूड। क्या रहेगा? द फूड, द फूड डैट यू कुक्ड वाज वेरी गुड, ठीक है? समझ में आ रहा ना? सारा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा, छाप कराना छोड़कर एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, क्योंकि मैं आप लोगों को सारा क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है? देखो, यहां लिखा हुआ है आई लाइक टू वॉच टेनिस ऑन टीवी, इट इज, फिर डॉट 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 है, वेरी गुड आपका गेम। यहां आर्टिकल भरना है, ए का मतलब क्या है? आर्टिकल भरना है, ठीक है? तो बताओ क्या भरा जाएगा? पता होगा शायद, ए भरा, एन भरा जाएगा, नो आर्टिकल, द, या ए। तो यहां जो भरा जाएगा, ए भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? ए, ठीक है? तो ये आपको समझ में आना क्या? क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, बोर्ड एग्जाम के लिए सारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, डू नॉट फिर स्लेस एट टाइम, फिर स्लेस वेस्ट, फिर स्लेस प्रीसियस, फिर स्लेस योर, ठीक है? अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। रीऑर्डर का मतलब आपको व्यवस्थित करना है, ठीक है? अब ये तो क्वेश्चन सारे ही बच्चों को पता होगा, डू योर प्रीसियस टाइम नॉट वेस्ट, या डू नॉट योर प्रीसियस टाइम वेस्ट, या डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, या योर प्रीवियस टाइम वेस्ट डू नॉट। अब इसमें क्या होगा, ये तो सारे बच्चों को पता होगा कि डू नॉट वेस्ट योर प्रीवियस टाइम, प्रीसियस का मतलब होता है विशेष, बहुमूल्य टाइम, ठीक है? अगला देखो स्टूडेंट, 6 नंबर क्वेश्चन कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग ए ग्रेट स्पेलिंग आपका ए ग्रेट राइटर। एक ग्रेट राइटर है जो नीचे लिखा हुआ है, शायद आप लोगों को दिख रहा होगा, शेक्सपियर, ठीक है? जो शेक्सपियर है एक ग्रेट राइटर थे, एक बहुत ही महान राइटर थे। अब उनका स्पेलिंग क्या होगा? एस एच ए के ई एस पी ई ए आर, या एस एच ए के एस पी आई ई ए आर, या एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई, या शेक्सपियर। देखो ये होगा
शेक्सपियर का जो राइट स्पेलिंग होगा वो होगा एस एच ए के ई एस पी ई ए आर ई, ठीक है, शेक्सपियर। समझ में आ गया ना क्वेश्चन नंबर सिक्स तक? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपको समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन। लिखा राजेश इज एन इंटेलिजेंट बॉय, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। राजेश जो है एक इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान लड़का है, तो आपको आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है। बॉय होगा, इज होगा, राजेश होगा, इंटेलिजेंट होगा। तो बच्चों जो यहाँ विशेषता बता रही है वो बॉय की विशेषता इंटेलिजेंट। अगर यहाँ ब्यूटीफुल होता तो बॉय की विशेषता ब्यूटीफुल होता, अगर यहाँ होता मान लो कुछ भी होता, ठीक है, उसकी विशेषता ही बता रही है, तो फिर हमारा यहाँ इंटेलिजेंट जो होगा वो विशेषता बता रही है, ठीक है। विशेषता बताने का मतलब है कोई भी चीज का मतलब विशेषता बताना, ये तो सारी को पता है। जैसे ये बहुत ज्यादा महान है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा अच्छे हैं, ये बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, ठीक है, ये सब होता है। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, आइडेंटिफाई द वर्ब। द न्यूज लेफ्ट मी वरीड, वरीड होगा, न्यूज होगा, लेफ्ट होगा या द होगा। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर एट का? क्वेश्चन नंबर एट में जो हमारा वर्ब आइडेंटिफाई करना, तो ये लेफ्ट ही तो आइडेंटिफाई द वर्ब है, लेफ्ट ही तो यहां वर्ब है, इसमें क्या हार्ड है, ये तो सारे बच्चों को पता होगा। अगर देखो क्वेश्चन नंबर नाइन, ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग टू बिल्ट एट अयोध्या। अयोध्या का नाम सुना है? हमारे इधर है अयोध्या, ठीक है, हमारे ही साइड में थोड़ी दूर है अयोध्या। बहुत ही अच्छा लगता है, अगर आप वहां एक बार जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। अब देखो यहां है वेरी या टेम्पल या ब्यूटीफुल या इज बीइंग बिल्ट। तो बच्चों आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव करना है, तो क्या होगा क्वेश्चन नंबर नाइन का? देखो ब्यूटीफुल ही तो है, ब्यूटीफुल ही तो बता रहा है ना इनकी विशेषता, हो गया ना क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर टेन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर टेन अब आप लोग समझो। सी पुट द पेन फिर डॉट 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 हर पॉकेट। यहां आपको क्या भरना है? प्रीपोजिशन, पी प्रीपोजिशन भरना है बच्चों। तो इन भरा जाएगा, एट भरा जाएगा, इंटू या ऑन, चलो फटाफट से बताओ क्या भरा जाएगा। तो इसमें हम लोग भरेंगे इंटू, क्या भरेंगे? इंटू भरेंगे, कि यहां हमारा जो होगा वो इंटू भरा जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन, लैंचो विश्ड इन द मॉर्निंग फॉर रैन, अर्थ का डिजन या फिर आपका वाटर या हैवी। तो बच्चों रैन हल्की फुल्की बौछार की आवश्यकता थी, लेकिन लैंचो का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा हेलस्टोन्स गिरने लगे, बहुत ज्यादा ओले गिरने लगे, पत्थर गिरने लगे, जो कि पूरा लैंचो का फील्ड बर्बाद कर दिया था। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लेना अगर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, लैंचो आस्क्ड गॉड टू सेंड द रिमाइनिंग मनी, बिकॉज रिमाइनिंग मनी मतलब 70 पीसेज मिला था, 30 पीसेज जो बता था उसके लिए भी लेटर लिख दिया था लैंचो ने, ठीक है। तो वाज द बाई सीड्स या बाई सीड्स मतलब बीज को खरीदने के लिए, बोने के लिए, टू बाई द फूड फॉर द फैमिली एंड नीडेड इट मोस्ट या थॉट दैट द गॉड वुड डेनी। तो ये होगा कि उसको बहुत ज्यादा जरूरत थी उतने पैसों की, ताकि उनका घर भी चले, अगला वो सीड भी बो सके खेत में, ठीक है। अगला देखो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, सी नेम्ड हर डायरी किटी। ये तो मैंने पढ़ा रखा था, लेकिन मैं दोबारा भी बता दे रहा हूं, क्योंकि हर डायरी वाज फ्रेंड, क्योंकि उनकी जो डायरी थी वही उनकी फ्रेंड थी, क्योंकि एनी का कोई जो मतलब इनका कोई रियल फ्रेंड नहीं था जो उनको अपने बातों को साझा कर सके, अपने मन में जो बातें हैं उसको साझा कर सके। तो उनके पास एक डायरी थी जिसका नाम किटी था, और उसी को रियल फ्रेंड मानती थी, ठीक है। इन यूरोप टी वॉज लुकड एट एज, कैसा दिखता था यूरोप टी? तो वो पीने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे मेडिसिन खा रहे हैं, मेडिसिन पी रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा था यूरोप टी, ठीक है। अरे यूरोप का चाय, वही टी मतलब चाय। अगला देखो, कुर्ग इज नोन विथ अदर नेम्स। तो कुर्ग को एक और नाम से जाना जाता था, क्या नाम था उसका? नाम था कोडागू। देखो मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, फटाफट से राइट आंसर बता रहा हूं, कि आप लोग कम समय है भाई इंग्लिश में, इसलिए आप लोगों को जो मैं बता रहा हूं तैयार करो, ठीक है। अगला देखो, बिफोर अटेंडिंग एनलाइटनमेंट बुद्धा वाज वंडर्ड इन रिसर्च ऑफ ट्रूथ फॉर, ये 7 ईयर लगा था, कितना? 7 साल लगा था। तो 7 साल पे आप करेक्ट कर लेना, सी वाला ऑप्शन। 17 नंबर क्वेश्चन, मिसेज पंपरी इज वरीड अबाउट ट्रिकी हेल्थ, डियर फॉर टेक्स हिम टू वेट या फिर टेक्स हिम फॉर वीकनेस या ओवरफीड्स हिम। बहुत ज्यादा वेट बढ़ रहा था, ओवरफीड्स हिम, ठीक है।
17 नंबर क्वेश्चन तक समझ में आ गया, हम लोग देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन देखो, हाई फाउंड इट डिफिकल्ट टू चीट अनिल बिकॉज, देखो फाउंड डिफिकल्ट टू चीट अनिल बिकॉज, बिकॉज जो अनिल था वो ट्रस्टेड हिम कंप्लीटली, अनिल को मतलब बहुत ज्यादा ट्रस्ट था, कंप्लीटली ट्रस्ट था। ठीक है, अगला देखो, इवराइट्स वॉज बोर्न इन रीडिंग, इवराइट्स बोर्न इन रीडिंग। ठीक है, समझ में आ रहा ना सारा क्वेश्चन। अगला, एट द पार्टी मटिल्डा वॉज ग्रेट सक्सेस बिकॉज हर ब्यूटी, अपनी सुंदरता के कारण, ब्यूटी के कारण। तो इसमें मैंने 20 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको 20 वो क्वेश्चन बताए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, वो देख लेना। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सारी चीजों को क्वेश्चन नोट कर लेना, याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि व्हाट वाज लैंचोज प्रॉब्लम एंड व्हाट वाज हिज ओनली होप। ठीक है, आपको ये बताना है कि लैंचो की जो परेशानी थी या फिर प्रॉब्लम क्या था। ठीक है, एंड व्हाट वाज हिज ओनली वन होप। ठीक है, और उनकी आशा क्या थी। ठीक है, ओनली कौन सी उनकी आशा थी। और अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा इसका मीनिंग। ठीक है, मतलब पूरा आप लोगों को पता होगा हिंदी में। तो अगर आपको हिंदी में पता है तो इंग्लिश में उसे आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले समझो, द रैन विथ हैवी हेलिस्टोन्स। ठीक है, जो रैन है वो हैवी हेलिस्टोन्स के साथ हैड रियूंड लैंचोज फील्ड, मतलब रैन जो है वो ओले, जो ओले होते हैं ना बर्फ, उसके साथ आया काफी तेजी से। पहले तो धीरे धीरे बरसात हो रही थी, बौछार हो रहा था, फिर उसका अचानक से बदल गया और हेलिस्टोन्स के साथ मतलब वहां ओले गिरने लगे और हैड रियूंड लैंचोज फील्ड, और जो लैंचो का फील्ड है उसको बर्बाद कर दिया। ऑफ राइप कॉर्न, जो पके हुए मकई के फसल लगे हुए थे ना उसको बर्बाद कर दिया। ठीक है, तो उनका फसल जब बर्बाद हो गया सो इसलिए ही वाज सैड, इसलिए वो जो लैंचो था बहुत ज्यादा दुखी था। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी था। हिज ओनली होप वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, और उनकी केवल एक आशा थी वो था गॉड, यानी कि भगवान। ठीक है, केवल उनकी गॉड ही आशा थे। ठीक है, केवल वही हेल्प कर सकते थे क्योंकि अब उनका हेल्प करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि लैंचो एक पुअर फार्मर था। ठीक है, और उसी खेत से उसका पूरा घर चलता था। ठीक है, पूरा। तो फिर ये आप लोगों को पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने काफी छोटा सा लिखा है ताकि आप लोग इसको नोट करके और अच्छे से याद कर लो। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा जो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि हाउ मच मनी डिड लैंचो नीड एंड हाउ मच मनी डिड ही रिसीव। ठीक है, यानी कि लैंचो को कितने पैसों की जरूरत थी और कितना पैसा मिला। ठीक है, मतलब नीड मतलब होता है जरूरत और रिसीव मतलब होता है पाना, मतलब कितना पाए थे लैंचो ने, जितना लिखा था 100 पीसेस लिखा था। ठीक है, तो 100 पीसेस की उनकी जरूरत थी लेकिन लैंचो को कुल नहीं मिला था, 100 पीसेस नहीं मिला था। ठीक है, तो हेल्प किया था लेकिन भगवान ने नहीं। ठीक है, तो अब देखो यहां, लैंचो नीडेड 100 पीसेस, मतलब लैंचो को 100 सिक्कों की 100 पीसेस की जरूरत थी। कितने की? 100 पीसेस की जरूरत थी। ठीक है, एंड टू सो हिज फील्ड अगेन, ताकि वो अपने फसल को बो सके, मतलब दोबारा लगा सके। ठीक है, एंड टू लिव एंटिल, और जीवित रहने के लिए, जब तक कि उसका नया फसल ना उग जाए, और द नेक्स्ट क्रॉप, जब तक उसका नया दूसरा फसल ना उग जाए। ही रिसीव्ड ओनली 70 पीसेस, और उनको रिसीव हुआ ओनली 70 पीसेस, जरूरत थी 100 पीसेस की लेकिन लैंचो को मिला कितना, ओनली 70 पीसेज। कितना आसान है, कुछ नहीं है। इसको मैंने खुद बना के लिखा है कि आप लोगों को आसान से आसान भाषा में किस समझ में आ जाए। ठीक है, केवल 2-3 लाइन में है और पूरा 2-3 लाइन में अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखोगे 2 लाइन में आ जाएगा, 2 लाइन में पूरा समझ जाएगा एग्जामिनर आखिर बच्चा लिखा क्या है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये 100 पीसेज की जरूरत थी और लैंचो को मिला केवल 70 पीसेज। ठीक है, 70 पीसेज। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है यहाँ कि व्हाट प्रॉमिस डज मंडेला मेक इन द बिगिनिंग ऑफ ओपनिंग ऑफ हिज ओथ एंड टॉकिंग स्पीच। ठीक है, अब यहां आप लोगों से क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहां आप लोगों से पूछ रहा है कि नेल्सन मंडेला ने अपने शपथ ग्रहण भाषण के आरंभ में क्या वादे किए। ठीक है, शपथ ग्रहण, ठीक है, इसका मतलब होता है शपथ ग्रहण के जो स्पीच दिए थे उसमें क्या वादा किया था। ठीक है,
अब देखो स्टूडेंट यहां लिखा हुआ है कि मंडेला थैंक्स ऑल द इन द इंटरनेशनल लीडर्स एंड गेस्ट, ठीक है, मंडेला जो है ने सभी इंटरनेशनल नेताओं को धन्यवाद दिया, ठीक है, सभी को धन्यवाद दिया जो इंटरनेशनल नेताएं थे जो इनकी हेल्प किए थे, ठीक है, एज ही कॉल्स इट एन ओशियंस ऑफ जॉय एंड विक्टर फॉर जस्टिस, इसको क्या कहा, मतलब जैसे कि वे इसे आनंद का महासागर और न्याय की जीत कहते हैं, ठीक है, ओशियन मतलब होता है आनंद का, ओशियन ऑफ जॉय मतलब होता है आनंद का महासागर, ठीक है, आनंद का महासागर और न्याय की जीत कहते हैं, ठीक है, इतना समझ में आया, ही प्रॉमिस, वो प्रॉमिस करते हैं कि दैट द कंट्री शैल नॉट अगेन एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ बाई अदर, मतलब फिर से एक दूसरे के उत्पीड़न का अनुभव नहीं होगा, ठीक है, फिर से ये जो है ना जो मतलब अभी हम लोग आजाद हुए हैं फिर ये नहीं होगा, ये हो गया ना, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिया है कि सारे बच्चे इनको पढ़कर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं, ठीक है, तो आप लोग इन सब को पढ़ो जो जो मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन याद करो, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखो स्टूडेंट कि व्हाट ट्विन ऑफ इग्लेशन डज मंडेला मेंशन, ठीक है, जो मंडेला है उन्होंने मतलब यहां आप लोगों से क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखो, इसमें पूछ रहा है देखो टू ऑब्लिगेशन मतलब होता है दो दायित्व, तो मंडेला ने किन दो दायित्वों को मेंशन किया, ठीक है, या फिर दायित्व दिया, इसके बारे में बताना है, ठीक है, तो मंडेला मेंशन दैट एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशन, दो दायित्व होता है प्रत्येक व्यक्ति का, हर एक व्यक्ति का दो दायित्व होता है, वन हिज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पहला उसके फैमिली के प्रति पहला दायित्व होता है अपनी फैमिली को देखभाल करो, अपने पेरेंट्स माता पिता अपनी वाइफ का अपने चिल्ड्रंस का, ठीक है, ये होता है पहला दायित्व जो सभी इंसान के लिए सभी पीपल के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पहला है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एंड अदर ऑब्लिगेशन इज हिज पीपल, और दूसरा है जो अपनी कंट्री की कम्युनिटी है, कम्युनिटी एंड हिज कंट्री, अपने देश के लिए भी कुछ करो, अपने देशभक्त के लिए, ठीक है, तो ये है दूसरा दायित्व, ठीक है, तो दोनों दायित्व मंडेला का समझ में आया, पहला अपनी फैमिली के लिए, दूसरा अपनी देश की कम्युनिटी, ठीक है, अपने देश के लिए, ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारा तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है, छोड़ कर नहीं आना है एक भी क्वेश्चन, ठीक है, सारा क्वेश्चन करके आना है बोर्ड एग्जाम में, तो ये हमारा स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि व्हाई डज एनी वांट टू कीप डायरी, ठीक है, एनी मतलब डायरी, ठीक है, डायरी के बारे में बताया, डायरी रखती थी ना, तो फिर इसके बारे में बताना है, ठीक है, तो एनी जो है वो डायरी क्यों रखती थी ये आपको बताना है, तो एनी वांट टू कीप डायरी एज सी डिड नॉट हैव फ्रेंड, देखो उनके पास कोई भी फ्रेंड नहीं थे, कोई भी दोस्त नहीं थे, इसलिए वो डायरी रखती थी ताकि उसी डायरी को अपना फ्रेंड, उसी में अपने ब्रीत स्केच जो है छोटा मोटा चरित्र चित्रण सब कुछ लिखती थी, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया बहुत अच्छे से, कुछ भी नहीं है, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में इन सबको आ गया पेपर में तो आप लोग लिख कर आना बहुत अच्छे से, जितना मैं आपको बता रहा हूं ये सारा आप लोग लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में अच्छे से, ठीक है, छोड़ कर नहीं आना है बोर्ड एग्जाम में। अगला देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन एसे, मतलब जो टीचर ने चैटर बॉक्स पर एसे दिया था, ठीक है, एनी को लिखने के लिए, क्यों, क्योंकि वो क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करती थी और इसलिए टीचर उन पर गुस्सा हुए और उन्हें क्या दिया कि आप चैटर बॉक्स पर एक एसे लिखो, एक निबंध लिखो, अगर आप इतना बातचीत करती हैं तो फिर आप चैटर बॉक्स पर एक एसे लिखो, ठीक है, उनको होमवर्क दिया था, ठीक है, तो अब आप लोग यहां समझो आखिर में है क्या, कैसा क्या बताया, ठीक है, सबसे पहले बात भी करना एक कला है, ठीक है, देखो अगर टीचर से आप अच्छे से बात करते हो तो इसका मतलब है आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, जो बच्चे अच्छे से बात नहीं करते हैं वो डरते हैं, और वो डरते क्यों हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं, अक्सर आपने देखा होगा जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर होते हैं वो सबसे पीछे बैठते हैं, क्यों, क्योंकि कहीं टीचर उनसे कुछ पूछ ना ले, हम भी पढ़ते थे हमें पता है, ठीक है, क्योंकि बच्चों वो चीज इंपॉर्टेंट होता है कि आपको सबसे आगे बैठना है और टीचर कुछ भी पूछे आप उनसे आप उसका आंसर भी दो और बल्कि आप 2-3 क्वेश्चन और टीचर से पुटअप करो तब पता लगेगा बच्चों कि हाँ ये बच्चा पढ़ा है, ठीक है, ऐसा बनो, पीछे बैठने से क्या होगा, आप अच्छे से पढ़ाई करो, जितना आपके पास समय है 100% फोकस करो अपने स्टडी पर, ठीक है, ये चीज है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताता हूं क्योंकि आप इतने समझदार हो,
शी गेव टू आर्गुमेंट्स टू जस्टिफाई हर चैटर बॉक्स। ठीक है, उसने या एनी ने अपने चैटर बॉक्स को सही ठहराने के लिए दो तर्क दिए, टू आर्गुमेंट्स। ठीक है, कौन कौन सा दो आर्गुमेंट्स कौन कौन से हैं, एक एक को समझो। पहला, वन डैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट्स एंड अदर रीजंस डैट नथिंग कैन बी डन अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। ठीक है, मतलब यहां कहने का क्या मतलब है, यहां कहने का मतलब है, सबसे पहले यहां समझो कि वन डैट चैटिंग इज स्टूडेंट्स ट्रेट्स, मतलब कहने का मतलब है कि चैट जो है, चैट करना छात्रों का एक गुण है। ठीक है, जो स्टूडेंट होता है उनका एक गुण होता है चैटर बॉक्स, मतलब चैट करना, बातें करना, बात करना। ठीक है, ये तो एक गुण होता है, क्योंकि क्लासरूम में अक्सर क्यों इतना ज्यादा चिल्लुहार होता है, ठीक है, क्यों इतना ज्यादा नॉइस होता है, क्योंकि बात करना एक स्टूडेंट का गुण है। ठीक है, और दूसरा है कि मतलब कि विरासत में मिले लक्षणों के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता, इनहेरिटेज मतलब होता है विरासत। ठीक है, ट्रेट्स मतलब जो विरासत में मिले लक्षण हैं उनको कुछ नहीं किया जा सकता। ठीक है, उनको कुछ नहीं किया जा सकता, मतलब ये जो बातचीत करना, बहुत सारे बच्चों का एक गुण होता है कि ज्यादा बात करना, बहुत सारे बच्चों का एकदम शांत होते हैं, बिल्कुल क्लास में शांत बैठे रहते हैं। ठीक है, तो ये गुण होता है। ठीक है, तो उसको कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये विरासत में मिला। ये हो गया बच्चों दो दो चीजें तर्क दिए थे एनी ने। ठीक है, तो समझ में आ गया ना, काफी ज्यादा आसान है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है, अगर आप अच्छे से समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छा है। ठीक है, अगला देखो स्टूडेंट, व्हाट इज मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग। ठीक है, मेन क्रॉप्स मतलब जो मुख्य फसलें हैं कुर्ग की वो क्या है, तो द मेन क्रॉप ऑफ कुर्ग इज कॉफी। ठीक है, कॉफी, आफ्टर मानसून द एयर ऑफ दीज ऑफ इनविग्रेटिंग एंड कॉफी विथ कॉफी स्टेट्स एंड वल्गलेशन ट्रक्स एंड यहां अंडर ट्री कॉर्नपीस। ठीक है, तो ये है बच्चों कि व्हाट इज मेन क्रॉप्स ऑफ कुर्ग, सबसे मेन है आपका कॉफी, जो आप लोग याद रखना। ठीक है, ये है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो सारे बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, काफी ज्यादा आसान है, आपको क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया होगा और बहुत ज्यादा आसान है, तो ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 समझो यहां कि व्हाई डज द कंडक्टर कॉल्स बल्ली मैडम, जो कंडक्टर है वो बल्ली को मैडम कह के क्यों बताया। ठीक है, क्यों बुलाया, क्यों कहा, तो बच्चों वल्ली इज टाइंग टू बिहेव मोर नेचर देन हर एज। ठीक है, वो अपने एज के अकॉर्डिंग, मतलब वो अपना नेचर, ठीक है, एंड सी इज ट्राइंग द लुक ओवर कॉन्फिडेंस एंड स्मार्ट, मतलब वो कोशिश कर रही थी ओवर कॉन्फिडेंस और स्मार्ट दिखने की। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो द कंडक्टर इज अन्यूज्ड एट हर बिहेवियर्स एंड एन एफर्ट टू ट्रीट्स एंड हर कॉल टू मैडम। ठीक है, तो उनको चिढ़ाने के लिए, ठीक है, अन्यूज्ड मतलब होता है चिढ़ाना, तो उनको चिढ़ाने के लिए जो कंडक्टर है वो मैडम कहा। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चंस मैंने लिया है बच्चों, 8 वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्ट क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए सारे प्रोज के हैं बच्चों, प्रोज के सॉल्ट क्वेश्चन है, जो आपको प्रोज के सॉल्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, ताकि आप लोग अगर बोर्ड एग्जाम में जाओ तो अच्छे से लिख कर आओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ज्यादा आसान है। अब देखो बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी हम लोग देखेंगे विथ आंसर के साथ, इसलिए जितना मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं वो सारे क्वेश्चंस आप नोट करना, याद करना, बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर, और लिख कर आना। ठीक है, यहां से आपके प्रोज में से, यहां से आपको बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, एक दो लॉन्ग भी देखने को मिलेगा, एक दो सॉल्व भी देखने को मिलेगा। पहला, Who was Lancho? Why did he write a letter to God? And who received the letter? And what did he do? ये आपको बताना है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले लैंचो कौन था, एक हार्ड वर्किंग फार्मर था, किसान था, पुअर फार्मर था। ठीक है, तो लैंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर विथ ए लार्ज फैमिली। ठीक है, समझ में आया। वंस द मच नीडेड एंड प्लीजेंट रैंड वाज प्लाउज्ड बाय वेरी हैवी हेलस्टोन्स, मतलब एक बार फसलों के लिए एक प्लीजेंट मतलब होता है बच्चों एक अच्छा बौछार जो है ना वर्षा की जरूरत थी, लेकिन वो क्या हुआ, हैवी हेलस्टोन्स गिरने लगा। ठीक है, मतलब हैवी हेलस्टोन्स में बदल गया, पहले तो बौछार होता हो रहा था लेकिन बाद में वो हैवी हेलस्टोन्स में बदल गया, ओले गिरने लगे जो उस फसल के लिए काफी खतरनाक थे और पूरे फसल को बर्बाद कर दिया। डियर फॉर द कॉर्न स्टैंडिंग
इन, ठीक है, लैंचोज फील्ड वाज टोटली डिस्ट्रॉयड। तो इसी के कारण जो लैंचो का पूरा फील्ड है वो टोटली डिस्ट्रॉयड हो गया था, पूरा बर्बाद हो गया था, मतलब उसमें एक भी फसल नहीं बचे थे, उसमें पत्ती बचा ही नहीं था, सब उसके जो मकई के फसल के फूल थे वो सारे गिर गए और वो बिल्कुल से फील्ड जो है, खेत जो है बिल्कुल से बर्बाद हो गया। नथिंग वाज लेफ्ट फॉर द पुअर लैंचो, और जो गरीब लैंचो के लिए कुछ भी नहीं बचा था उस खेत में, कुछ भी नहीं बचा था ताकि उसका घर चल सके, ठीक है। एंड हिज फैमिली, लैंचो के लिए भी नहीं बचा था और उनके फैमिली जो थे, फैमिली तो उनके लिए भी कुछ नहीं बचा था, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। सो ही रोट ए लेटर, इसीलिए उन्होंने एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, ठीक है, गॉड को एक पत्र लिखा, क्या, आस्किंग हिम, उनसे पूछने के लिए, फॉर 100 पीसेज इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, ठीक है, मतलब अगेन एंड लिव एंटिल द न्यू क्रॉप केम, ठीक है। कहने का मतलब है उन्होंने उस जो लेटर में लिखा, उनको 100 पीसेस की जरूरत है, ठीक है, 100 पीसेस की जरूरत है क्या करने के लिए, फील्ड जो खेत है उसको दोबारा लगाने के लिए, मतलब फील्ड खेत में जो बीज है उसको दोबारा डालने के लिए, और एंटिल न्यू क्रॉप्स, और तब तक जीवित रहने के लिए जब तक नया फसल ना आ जाए। द लेटर वाज रिसीव्ड बाई ए पोस्टमैन, और पोस्टमैन को वो लेटर रिसीव हुआ, और द पोस्टमास्टर आल्सो रीड इट, और पोस्टमास्टर ने उसको ध्यान से पढ़ा, एंड वाज मूव्ड, और वो थोड़ा सा अच्छे से मूव्ड हुआ, एंड कलेक्टेड 70 पीसेज, और 70 पीसेज इकट्ठा किया, लिखा था 100 पीसेस लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश किया अपने इंप्लॉयज से, खुद से भी, तो केवल 70 पीसेस इकट्ठा कर पाए फॉर द, ठीक है, स्टैम्प पुट द मनी इन एल्बम एंड आप लोगों का एड्रेस लैंचो, और उसको एक पॉकेट में रखा और फिर लैंचो के एड्रेस पर चला गया, ठीक है, भेज दिया। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों, देख सकते हो बहुत ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है, अगर आप इन सारे लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ के जाते हो बच्चा, बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो ये सारा आप लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ के जाना बोर्ड एग्जाम में, अगर अच्छे मार्क्स लाना है बोर्ड एग्जाम में, 90% मार्क्स इंग्लिश में भी लाना है तो यह सारा क्वेश्चन पढ़ के जाना, ठीक है। ये तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो स्टूडेंट जो हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा अच्छे से तैयार कर लेना है कि व्हाट डज मंडेला मींस व्हेन ही सेज ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोटर्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। यहां कहने का मतलब है मंडेला ने कहने का क्या अर्थ है कि वह उन सभी अफ्रीकी देश व्यक्तियों का योग है जो उनसे पहले मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, ठीक है, हो गए हैं। तो बाई सेइंग दैट ही इज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पोइटर्स, ठीक है, एंड मंडेला वांट टू पे हिज ट्रिब्यूट टू ऑल पीपुल, ठीक है, वो सारे मतलब पीपुल की योग करती हैं, प्रे करती हैं, हु हैव सैक्रिफाइस्ड दियर लिव्स फॉर द स्नेक्स, ठीक है, ऑफ फ्रीडम्स। ही सेज दैट ही इज ग्रेटफुल, वो ग्रेटफुल है टू दोज हु हैड गॉन बिफोर हिम, जो उनसे पहले, जो उनसे पहले इस देश के लिए अच्छा करके गए हैं, बिकॉज दोज हीरोज, ठीक है, आ फाट हैड पेव्ड द पथ ऑफ को ऑपरेटर एंड एंट्रिल एंड फॉर हिम, दियर फॉर ही कुड ट्राई टू कम टू पावर टू ब्रिंग इक्वालिटी, ठीक है, एंड फॉर हिज पीपुल विथ दियर सपोर्ट, ठीक है। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग इसका हिंदी मीनिंग समझ लेना, फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जब आप लोग पूरे चैप्टर का हिंदी मीन्स समझ लोगे ना, तो चाहे आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो बच्चों और चाहे आपका शॉर्ट क्वेश्चन हो, सब आपको बहुत ज्यादा आसान लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप चीजों को समझोगे तब आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ज्यादा आसान भी है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाई डज एनी नीड टू गिव ए ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, डज सी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर या आउटसाइडर। यहां कहने का मतलब है कि एन ने अपने परिवार का संक्षिप्त चित्रण करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और वह क्या हुआ किटी को अंदरूनी व्यक्ति मानती थी या बाहरी व्यक्ति, ठीक है। तो एनी जो है फ्रैंक क्लेम्स डैट पेपर हैज मोर पैटर्न्स डेन पीपुल, ठीक है, सी यूजली सिट्स डिप्रेस्ड एंड ऑल एलोन, ठीक है, एलोन सी क्लेम्स ऑफ हैविंग नो रियल फ्रेंड, मतलब वो यही दावा करती थी कि उनके पास कोई नो रियल फ्रेंड, कोई रियल फ्रेंड नहीं था। दिस लैंड्स द रीडर एंड द पार्टिशन दैट हर इज नॉट एनी बॉडी टू टेक केयर ऑफ एनी फ्रेंक, ठीक है, एंड टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट एनी फ्रेंक, टू क्लियर द क्लाउड्स ऑफ डाउट एनी फ्रेंक, ठीक है, गिव्स द स्केच ऑफ हर एलोन फादर कंप्लीट नेट,
ठीक है, एंड मदर काइंड ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर एंड लिविंग एंड लविंग, ठीक है, सिस्टर सी ट्रीट्स किटी एज एन इनसाइडर, मतलब इनसाइडर, ठीक है, अंदरूनी मानती थी, बिकॉज सी कॉल्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि वो उनकी बेस्ट फ्रेंड है, एंड व्हाट एंड वाज रेडी टू कॉन्फिडेंट, ठीक है, इट, इतना आपको समझ में आ गया। तो ये हमारा स्टूडेंट है क्वेश्चन नंबर 3, जो आप लोगों को वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में तैयार करके जाना है, ठीक है, इंग्लिश का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है लॉन्ग क्वेश्चन, कि व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन दोज डे एंड हाउ डिड ही लुक एंड व्हाट डिड द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम द अपीयरेंस, ठीक है, तो ये आप लोगों को बताना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आप लोगों से पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आप ये समझो, ठीक है, ठीक है, इसमें आप लोगों से पूछ रहा है बच्चों कि उन दिनों ब्रेड बनाने वाला क्या पहनता था, ठीक है, व्हाट डिड ही बेकर्स एंड इन दोज डे वियर, ठीक है, क्या पहनता था एंड वह कैसा लगता था, लेखक उसके अभिनव से क्या अंदाजा लगाता है, ठीक है, एपीरियंस से। तो द बेकर्स, और मतलब बेकर्स कहो या ब्रेड सेलर कहो, इन दोज डे हैड ये पार्टिकुलर ड्रेस, मतलब एक विशेष, इसका मतलब होता है विशेष ड्रेस, ठीक है, एक विशेष ड्रेस पहनता था, इट वॉज नोन एज द कबाई, जिसे उन्हें कबाई के नाम से जानते थे, ठीक है, इट वॉज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, जो एक सिंगल पीस था लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नेस्ट, नेस्ट का मतलब का होता है घुटना, ठीक है, जो घुटने तक, डाउन घुटने तक जाता था, इन द चाइल्डहुड डे, मतलब जो इन द चाइल्डहुड डे, ठीक है, चाइल्डहुड मतलब होता है जब बचपन का दिन था, द ऑथर सा, मतलब जो ऑथर उसने देखा, द बेकर्स वियरिंग ए शर्ट, एक शर्ट एंड ट्राउजर, मतलब पहनते थे एक शर्ट एंड ट्राउजर, दियर वियर शॉर्टर देन फुल लेंथ, जो मतलब थोड़ा शॉर्टर था, फुल लेंथ से थोड़ा शॉर्ट था, एंड वन एंड लॉन्गर हाफ पैंट, और हाफ पैंट जो लॉन्गर हाफ पैंट होता है, ठीक है, द ऑथर एस्टिमेट फ्रॉम द बेकर्स अपीयरेंस दैट ही अर्न, ठीक है, अर्न करते थे, ठीक है, एंड आप लोगों का अर्नड सफिशिएंटली, मतलब इसका मतलब होता है पर्याप्त अर्न करते थे, ठीक है, बेकिंग वाज ए फॉरएवर, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लाभदायक प्रोफेशन देन, द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर सर्वड इट, टेस्टिफाइड दैट ही वाज रिच ड्यू टू दैट प्रोफेशन, द ऑथर कंपेयर्स द बेकर्स विथ ए जैक फ्रूट्स ह्यूमिलियसली, ठीक है, बस इतना सा आपको पढ़ना है। देखो बच्चों, इंग्लिश आप लोगों को देखते, इंग्लिश का पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया, ठीक है, जो हम लोग पहले, हमारा जो सिलेबस था उससे थोड़ा सा चेंज हो गया, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा और इन सारे को तैयार करना होगा, ठीक है, इन सारे को आपको अच्छे से तैयार करना होगा, इन सबको मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको लिया है और बहुत ज्यादा अच्छे से इसको मैंने लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। पहले हमें भी इसको ध्यान से पढ़ना पड़ता है और आप लोगों के लिए अच्छे से लिखना पड़ता है, तब आप लोगों को दिया जाता है, और इसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं पोएट्री का। देखो ये हमारे पास एक बुक है पोएट्री, आप लोगों का पोएट्री सेक्शन है ना, पोएट्री में बच्चों बहुत ज्यादा आसान होता है, लाइक इज डेक्स्टा विष्णु। देखो आपको क्या है कि एक तो आपको पोयम लिखना है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है, ठीक है, पोयम के लिए आप ये वाला ले लो, बहुत ज्यादा आसान है, द बेक्रो सुक डाउन ऑन मी द डेक्स्टा विष्णु फ्रॉम हेमलॉक ट्री, एक पोयम आपका हो गया, ठीक है, और भी आप ये लिख सकते हो, आसान है, एज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड हर सम पार्ट्स ऑफ डे आई हेट व्यूड, ठीक है, तो ये आप आसान से ये दोनों अभी आप तुरंत याद कर लो, फर्स्ट प्लस सेकेंड, दो तो याद ही करना पड़ेगा, तो दो आप ये याद कर लो, और अगर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया याद करना है तो ये है इसका सेंट्रल आइडिया, डस्ट ऑफ स्नो इज ए वंडरफुल पोएम ऑफ नेचर, ठीक है, बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इन दिस पोएम ए स्वैम्बल इंसेंट इज प्रेजेंट था पोयम। देखो अब आपको ये वाला इसका सेंट्रल आइडिया तैयार करना, सेंट्रल आइडिया का एक वीडियो आने वाला है, फटाफट से आएगा, तो आप लोग तैयार कर लेना, डेस्कटॉप स्नो का सेंट्रल आइडिया, और भी मैं आपको बता देता हूं इसका भी तैयार कर लेना, ए टाइगर इन द जू, ठीक है, इसको भी तैयार कर लेना, ठीक है, ए टाइगर इन द जू, एंड आप लोग एनिमल्स का भी तैयार कर लेना, किसका, एनिमल्स का भी तैयार करना, कम से कम 3 सेंट्रल आइडिया तैयार करना पड़ेगा, ठीक है,
तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो अब हम लोग देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को, लिखना कैसा है सब कुछ, ठीक है। आपका आर्टिकल राइटिंग जो इंपॉर्टेंट है वो सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ठीक है। तो लिखना कैसे है ये भी आप लोग 100% फुल मार्क्स मिलेगा। जैसा बता रहा हूं, अगर ऐसे लिखोगे ना, एक भी नंबर एग्जामिनर काट नहीं पाएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको पांच ऐसे आर्टिकल राइटिंग बता देता हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पहला आर्टिकल राइटिंग जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला देखो, इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए, कि आप लोगों को बताना है कि अर्ली राइजिंग, जल्दी उठने का इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, ठीक है। जल्दी उठने का महत्व क्या है, आपको इस पर एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक है। एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है अच्छे से। सबसे पहले देखो, बहुत बड़ा महत्व है। जैसे आप सुबह उठकर अगर 2 घंटे पढ़ लेते हो ना, तो आपका बहुत ज्यादा पढ़ाई भी लगेगा, मैंने बहुत कुछ किया है। या फिर एक्सरसाइज आप 1 घंटा कर लेते हो सुबह उठकर जल्दी से, 20 मिनट 30 मिनट, और फिर आप पढ़ाई भी कर लेते हो, तो फिर आपको लगेगा दिन भर कि मैंने कुछ किया है आज, तो फिर ये बहुत बड़ा महत्व है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपको द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्ली राइजिंग बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल राइटिंग, जरूर तैयार करके जाना बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, आप लोगों को मैं बता रहा हूं। दूसरा, ए विजिट टू ए जू, मतलब आपको एक जू यानी कि चिड़ियाघर के बारे में विजिट करना है। मान लो आपने एक चिड़ियाघर देखने गए हो, तो फिर उसके बारे में आपको एक आर्टिकल लिखना है, एक आर्टिकल राइटिंग लिखना है। जैसे आप किसी फेस्टिवल को देखते हो, किसी मेले को देखते हो, तो मेले को देखा तो आपको वहां एक निबंध लिखो, उसी तरह से आर्टिकल राइटिंग लिखो, ठीक है। आप हेडिंग वेडिंग ना लिखो, आप सीधा लिखते चले जाओ आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, आपको उसमें क्या अच्छा लगा क्या क्या लिया, आपको उसमें सारी चीजें आप जो जानो उसके बारे में इंग्लिश में लिखते चले जाओ, निबंध के टाइप का। अगर आप हेडिंग भी डाल देते हो तो अच्छी बात है, वैसे आपको हेडिंग आपके बुक में आपके गाइड में कहीं नहीं दिया है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा आर्टिकल एक पेज का या 1.5 यानी कि 1.5 पेज का आप लिख दो, आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चा इंपॉर्टेंट जो हमारा आर्टिकल राइटिंग है वो है फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया, इंडियन फेस्टिवल के बारे में लिखना है, ठीक है। इंडियन फेस्टिवल के बारे में भी बोर्ड एग्जाम में आता है आर्टिकल राइटिंग, तो इंडियन फेस्टिवल के बारे में आप लोग जरूर तैयार करना। कोई भी एक फेस्टिवल तैयार कर लो, इंडियन फेस्टिवल वो आप लोग लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेगा इंडियन फेस्टिवल में, ठीक है, फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग है, इन सारे पर आपको याद कर लेना है, इन सब पर आपको लर्न कर लेना है, क्योंकि यही सब आपको बोर्ड एग्जाम में 2 से 3 यही देखने को मिलेगा। कोई एक लिख दोगे आपको बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो लिखा हुआ है सेव वाटर, जो कि इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, वाटर की सेव करना, वाटर को बचाना, संरक्षण करना, ठीक है, पानी का संरक्षण। देखो बहुत सारे लोग फालतू में पानी को व्यर्थ में देते हैं, फेंक देते हैं, लेकिन किसी चीज को इसी पानी को पीने के नहीं मिलता है, मर जाते हैं बिना पानी के, डेथ हो जाता है। तो सेव वाटर इंपॉर्टेंट है, आर वी डूइंग इनफ, ठीक है, आप इसका पर्याप्त मात्रा में यूज करो, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको जरूर तैयार कर लेना है बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो। एंड फिर हमारा है पांचवा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रो मोर ट्रीज टू रिड्यूस पॉल्यूशन, मतलब आपको कुछ ट्रीज ग्रो करना है, उगाना है, जो पॉल्यूशन को रिड्यूस कर सके, खत्म कर सके, उसको कम कर सके, ठीक है। तो ये हमें पांच ऐसे आर्टिकल राइटिंग है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। रिसर्च करने के बाद मुझे यही 5 आर्टिकल राइटिंग मिला है जो आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में, अगर आपको 100% लाना है तो, ठीक है, 90% आपका आएगा मार्क्स अगर ऐसे करके आप सारी चीजें पढ़ते हो। तो अब हम लोग देखेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क्स मिले। तो सबसे पहले 5 आर्टिकल राइटिंग कहीं लिख लेना कि हमें ये आर्टिकल राइटिंग तैयार करना है, फिर मैं आपको बताता हूं आपके 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गया बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना कैसे है। देखो सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दिया जाएगा, एक तरफ आप लोग अंडरलाइन करना, ठीक है, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से स्केल की सहायता से, बिल्कुल सीधी अंडरलाइन, ठीक है। फिर आप लोगों को क्या करना है, ये हमारा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका ये आता है सेक्शन बी में, ठीक है। तो आप लोग सेक्शन बी डाल देना, ठीक है, जो सेक्शन बी है, ठीक है, सेक्शन बी डाल देना यहां, ठीक है। मैंने केवल क्वेश्चन आंसर बता रहा हूं, तो इसलिए मैं सेक्शन बी नहीं डालूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर 3 डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं आप लोगों को आंसर 3 सॉल्व करा रहा हूं, ठीक है। आंसर नंबर NO लिख देना बस 3, ठीक है,
आंसर नंबर 3 और इसको आप लोग अच्छे से स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना। बस आपका ये समझ जाएगा एग्जामिनर कि ये आंसर नंबर 3 है। और हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कौन सा आर्टिकल राइटिंग, वो है हमारा सेव वाटर, आर वी डूइंग इनफ। ठीक है, अब आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना कैसे है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप ऐसे हेडिंग डाल देना, ठीक है, और ये हमें डाल देना आंसर नंबर 3। फिर आप लोगों को जो भी आता है सेव वाटर के बारे में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओ। देखो मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते चले जाओ, एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। जैसे मैंने लिखा है मेनी पीपुल आर लिविंग विथ लेस वाटर देन दे नीड। ठीक है, अब इसको मैंने आप कई टाइप से लिख सकते हो, नो नथिंग आप ऐसे ही बिल्कुल ना लिखो, आप कई टाइप से लिख सकते हो। अगर आपका इंग्लिश तेज है तो आप खुद से बनाकर लिख सकते हो। लिखा मेनी पीपुल आर लिविंग विथ लेस वाटर देन दे नीड, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जितनी जरूरत है वाटर की ना, जल का, उतना उनको मिलता नहीं है जीने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पानी को व्यर्थ कर रहे हैं, फालतू में फेंक रहे हैं। तो उन्हीं चीज को बताया जा रहा है कि उन लोगों को जीने के लिए जितनी पानी चाहिए उतना नहीं मिलता और बहुत सारे लोग इसको फालतू में व्यर्थ कर रहे हैं। तो वो लोग सेव वाटर करें, ठीक है, वाटर का संरक्षण करें, जल संरक्षण करें, ताकि वो पानी किसी के काम आ सके, क्योंकि आगे चलकर पानी की कमी होगा। ठीक है, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है। तो ये चीज है, वेदर इन वर्ल्ड मोस्ट आपका प्रोफिस सिटीज और इन इट्स बाउंड आपका बाउंटीफुल एंड एग्रीकल्चर हेल्ड लैंड, चाहे वो सिटीज हो या फिर एग्रीकल्चर मतलब होता है कृषि के क्षेत्र हो, कोई भी हो पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ड्राउट्स हैव आल्सो बिकम मोर प्रीक्यूंट मोर सर्फ एंड इफेक्टिंग मोर पीपुल अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब होता है सूखा, ठीक है, मतलब जब पानी की कमी होगी तो सूखा ही तो होगा, मतलब चारों तरफ धरती जो है सूख जाएगा, क्योंकि पानी की कमी हो रही है ना, पानी मिल ही नहीं रहा है, तो फिर वो पानी कहां से मिलेगा। तो मतलब ड्राउट्स जो है सूखा, मतलब वर्ल्ड के, मतलब विश्व के बहुत सारे लोगों को इफेक्ट कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि पानी की कमी हो रहा है तो सूखा हो रहा है। अब सूखा देश के बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है, वर्ल्ड्स द अराउंड पीपल इफेक्टिंग, बहुत सारे लोगों को प्रभावित कर रहा है, ठीक है। एंड आगे समझो, बहुत ज्यादा मैं इजी तरीके से लिखा हूं, ठीक है, केवल दो तीन चीजों का यूज किया हूं। देखो एज 4 बिलियन पीपल ऑलरेडी लिव इन रिलीजियस दैट एक्सपीरियंस सर्व वाटर स्ट्रेट फॉर एट आपका लीस्ट 1 मंथ ऑफ एयर। ठीक है, लगभग 4 बिलियन पीपुल, 4 बिलियन पीपुल ऐसे लोग हैं जो साल में ऐसा एक मंथ आता है कि उन्हें जल का संकट आता है, जल की कमी होती है, ठीक है, उन्हें जल नहीं मिलता है, पूरे साल में एक ऐसा मंथ आता है 4 बिलियन पीपुल के लोगों को, ठीक है। एंड वाटर इज द प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड, जो वाटर है प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड ऑन अर्थ, ठीक है, वाटर जो है वो भगवान के द्वारा दिया गया एक बहुमूल्य गिफ्ट है, उपहार है पृथ्वी पर, ठीक है, पृथ्वी पर जो भगवान के द्वारा दिया गया वाटर जो है एक बहुमूल्य चीज है, ठीक है। लाइफ एक्सिस्ट ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ वाटर, और अर्थ पर लाइफ इसीलिए संभव है क्योंकि वाटर के कारण ही जीवन का अस्तित्व है, वाटर के कारण ही पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व है लोगों का। अगर वाटर ही ना हो ना तो कोई नहीं जीवित रह सकता इस वर्ल्ड में, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेव वाटर। इसीलिए मैंने आपको इस पर आर्टिकल राइटिंग बताया कि आप लोग भी सीखो और इस पर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, ऐसा लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इट्सेल्फ बीइंग टेस्टलेस एंड आप लोगों का कलरनेस इट्स एड्स टेस्ट कलर्स एंड नाइस स्मेल्स इन द लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स ऑन द अर्थ। वाटर जो होता है इट्सेल्फ का मतलब होता है स्वयं, ठीक है, स्वादहीन, ठीक है, रंगहीन, गंधहीन होता है, ठीक है, लेकिन ये जो है ना लाइफ ऑफ लिविंग बींग्स, जो पृथ्वी पर जीवित लोग हैं उनके जीवन में खुशबू भरते हैं, स्मेल, एक अच्छी अच्छी स्मेल को देते हैं, ठीक है, उनके जीवन को अच्छा बनाते हैं जो पृथ्वी पर जीवित लोग हैं। Here are difficult method we can follow to save clean drinking water and deal with the water scarcity. ठीक है, देखो water का संरक्षण करो, जल संरक्षण करो, ताकि आगे चलकर water की कमी ना हो, पानी की कमी ना हो और लोग का जीवन संभव हो, ठीक है। एंड deforestation is also a good method as it reduces the sacrifice and runoff and recharges the
ग्राउंड वाटर, ठीक है। अभी थोड़ा सा हमारा और आर्टिकल राइटिंग है, जितना मैं आपको बता रहा हूं इतना ही बोर्ड एग्जाम में आर्टिकल राइटिंग लिखना है, ठीक है, बस इतना और लिखना है। इट्स प्रमोट्स अंडरग्राउंड वाटर्स, ठीक है, कॉन्सर्वेशन बाय प्रैक्टिसिंग सच मेथड वी कैन कॉन्सर्व मोर वाटर नेचुरली एंड इंश्योर द एबिलिटी ऑफ इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। वी शुड टेक ए पेड्स एंड मेक इट ए लाइफ लॉन्ग मोटो एंड प्रीसर्व वाटर वी कॉज, ठीक है। हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमें अब जीव वाटर का संरक्षण करना है, वाटर को बचाना है ताकि हमारा जीवन अच्छे से हो सके। बस ये देखो थोड़ी सी एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिखोगे बच्चा 6 नंबर आपको मिलेगा, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग का, बस इतना आपको लिखना है। 5 मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताए हैं उसको तैयार कर लेना, ठीक है। जो मैंने 5 ऐसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइटिंग बताए हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, इन सब पर आप लोग आर्टिकल राइटिंग जरूर याद कर लेना, ठीक है। मैं आप लोगों को और भी आर्टिकल राइटिंग आगे चलकर पढ़ा दूंगा, वैसे अभी मैंने आपको एक आर्टिकल राइटिंग पढ़ा दिया, इसको आप लोग नोट कर लेना जैसा मैंने बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आप लोगों को और भी आर्टिकल राइटिंग बता दूंगा। आप लोग देखेंगे 5 सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। सबसे पहला एप्लीकेशन देखो यहां, ठीक है, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल, ठीक है, ऑफ योर कॉलेज। आपको अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है किसके लिए, टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 डेज, यानी कि 3 डेज की आपको क्या चाहिए, छुट्टी चाहिए, ठीक है, क्या करने के लिए, एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होना है, इसलिए आप लोगों को अपने प्रिंसिपल को एक लिखना है एप्लीकेशन ताकि आपको 3 डेज की छुट्टी मिल सके, ठीक है। ये एप्लीकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने लिख रखा है, ये जितना मैं आपको बताऊंगा 5 ही बताऊंगा, लेकिन वो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वही बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। तो पहला आप लोग तैयार कर लेना कि राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज, ठीक है, टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 डेज एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर। तो ये पहला एप्लीकेशन है जो आप लोगों को बिल्कुल तैयार कर लेना है, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन आप लोगों को कौन सा तैयार करना है, यहां देखो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। अपने स्कूल के प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव मतलब योर सर्टिफिकेट, ठीक है, यू ये सर्टिफिकेट, ठीक है, आपको एक सर्टिफिकेट जो आप लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाता है उसको देने के लिए रिक्वेस्ट करना है। आर स्कूल लिविंग, आपको स्कूल छोड़ने के लिए, या फिर ट्रांसफर सर्टिफिकेट, या फिर आपको इस सर्टिफिकेट को कहीं ट्रांसफर करना हो उसके लिए आपको ये सर्टिफिकेट लेने के लिए एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो ये दूसरा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जो आपको तैयार ही तैयार कर लेना है। तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन देखो, ठीक है, लिखा हुआ राइट एन एप्लीकेशन, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है किसके लिए, टू योर गेम्स टीचर, अपने गेम्स टीचर को जो आप लोगों को गेम खिलाते हैं, ठीक है, उनको आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स, क्योंकि वो टीचर जो है वो डेली इवनिंग गेम में अरेंज नहीं होते हैं, ठीक है, आते नहीं है, तो उनको आने के लिए, ठीक है, डेली रेगुलर इवनिंग गेम्स में आने के लिए आप लोगों को क्या लिखना है एप्लीकेशन, ठीक है, इवनिंग गेम्स इन कॉलेज एंड इशू 2 क्रिकेट बॉल्स एंड 2 बैट्स, यानी कि 2 क्रिकेट बॉल्स को भी प्रोवाइड करें और 2 क्रिकेट बॉल्स को भी प्रोवाइड करें, ठीक है, और इवनिंग गेम्स में वो डेली आए। तो ये आप लोगों को एप्लीकेशन लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, ठीक है, ये सारा एप्लीकेशन तैयार कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। मैं ऐसे करके आपको पूरी इंग्लिश की तैयारी करा दूंगा, ऐसे मैं आप लोगों को अभी आर्टिकल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पैसेज, ठीक है, स्टेंजा, सब कुछ पढ़ाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि पूरा आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का तीसरा है। चौथा एप्लीकेशन कौन सा तैयार कर लेना है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को। देखो एप्लीकेशन प्रिंसिपल को ही लिखा जाता है, ठीक है, टू योर स्कूल या कॉलेज या स्कूल, रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू फुल फी कंसेशन, ठीक है, आपको फुल फी कंसेशन के ऊपर एप्लीकेशन लिखना है। बट डू नॉट राइट नेम एंड रोल नंबर, आपको अपना रोल नंबर और नेम नहीं लिखना है। ये भी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया है कि जितना भी मैंने लिया है वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार ही तैयार कर लेना है,
ठीक है। अगला देखो लिखा हुआ यू हैव टू लुक आफ्टर योर सिक मदर, आपकी माता जो है वो बीमार है आप देख रहे हो, तो इसलिए सो राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, इसलिए आप लोग प्रिंसिपल के लिए एक एप्लीकेशन लिखो ऑफ योर स्कूल कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रेंट यू 4 days, मतलब आपको लीव, आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए क्योंकि आप देख रहे हो कि आपकी जो मदर है या माता है वो बीमार है, तो उनके देखभाल के लिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए ताकि वो ठीक हो सके, ठीक है। तो ये आप लोगों को मैंने 5 ऐसे एप्लीकेशन बता दिया जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब इसमें से अगर मैं आप लोगों को कुछ एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा, ठीक है, लेकिन अभी भी मैं आप लोगों को 2 ऐसे एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में एप्लीकेशन कैसे लिखना है और बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, ठीक है, तो ये भी जानना जरूरी है। तो चलो मैं आप लोगों को सब कुछ बता देता हूं। देखो सबसे पहले इसमें से मैं एक एप्लीकेशन लेता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला एप्लीकेशन इट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर कजिन सिस्टर, आपको अपने कजिन सिस्टर की मैरिज में अटेंड होने के लिए 3 दिन की छुट्टी चाहिए। देखो ये एप्लीकेशन मैंने क्यों कहा इंपॉर्टेंट है, देखो अगर लाइक एज आपका कजिन सिस्टर की जगह कजिन ब्रदर आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए, तो आप इसी एप्लीकेशन में थोड़ा सा नाम चेंज कर सकते हो, कजिन सिस्टर की जगह कजिन ब्रदर कर सकते हो, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बता देता हूं, फिर इसके बाद भी अभी मैं कुछ एप्लीकेशन आप लोगों को बताऊंगा। देखो सबसे पहले आपके जो मतलब पेपर रहेगा बोर्ड एग्जाम का उसमें लिखा रहेगा राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कॉलेज या कॉलेज टू ग्रेंट यू लीव फॉर 3 days एज यू हैव टू अटेंड द मैरिज ऑफ कजिन सिस्टर। तो अब आप लोग सबसे पहले क्या लिखना है, आप लोग देखो सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहां टू, ठीक है, टू लिखना है, बट इसी के जस्ट नीचे द प्रिंसिपल लिख देना। कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि यहां देखो कॉमा जरूर लगाना स्टूडेंट, कॉमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं आप लोगों को व्यू से ही बताता हूं ये कॉमा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा यहां से लिखना स्टार्ट करते हैं, नो प्रॉब्लम, वैसा भी लिख सकते हो बट ऐसा ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसी के जस्ट नीचे आप लोग द प्रिंसिपल लिख देना, द प्रिंसिपल, ठीक है, अपने स्कूल का नाम लिख देना, जैसा मैंने एग्जाम्पल लिखा एसडी इंटर कॉलेज वजीदगंज, ठीक है, ये मैंने स्कूल का नाम लिखा, यहां आप लोग फुल स्टाफ लगा देना, ठीक है, फुल स्टाफ लगा देना। फिर नीचे आप सब्जेक्ट जरूर लिखना, ये स्टूडेंट गलतियां करते हैं कि सब्जेक्ट नहीं लिखते हैं, छोटा सा सब्जेक्ट लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो यहां आप लोग सब्जेक्ट लिख देना, मैंने लिखा ग्रैंड फॉर लीव, यानी कि आप लोगों को छुट्टी चाहिए ग्रैंड फॉर लीव, ठीक है, ये छोटा सा मैंने सब्जेक्ट बनाया है, इसी में से मैंने एक छोटा सा सब्जेक्ट कट कर लिया। फिर अब क्या करना है, अब आप लोगों को लिखना सर, सर लिखना है, सर लिखने के बाद यहां देखो सबसे पहले रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का स्पेलिंग सही होना चाहिए क्योंकि इस पर एग्जामिनर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, तो आर ई एस बीच में एस लगा हुआ, पी ई सी टी एफ यू डबल वल वाई, ठीक है, रिस्पेक्टफुली आई हैव टू से दैट, ठीक है, मैं आप मतलब रिस्पेक्टफुली रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहता हूं कि दैट माई कजिन सिस्टर मैरिज, मेरे कजिन सिस्टर की मैरिज है इज टू टेक प्लेस ऑन द कमिंग 12th August एट भोपाल, 12th August को भोपाल, ठीक है, एंड आई हैव टू अटेंड अ मैरिज, मुझे उस मैरिज में अटेंड होना है, क्यों, क्योंकि एज माई फादर इज नॉट इन पोजिशन टू डू सो, जो मेरे मतलब पिताजी हैं, ठीक है, या पापा हैं, वो क्या है कि वो इस पोजीशन में नहीं है कि इस मैरिज को अटेंड कर सकें, ठीक है, वो थोड़ा सा इस पोजीशन में नहीं है, तो इसलिए हमें इसको अटेंड करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पूरा कारण लिख दिया, कुछ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अपने अकॉर्डिंग, लेकिन ये सबसे अच्छा तरीका है। काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 3 days, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए फ्रॉम 11th, यानी कि 11, 12, 30, ठीक है, 11 to 30, ठीक है, यानी कि 11th and 12th and 13 तक मुझे छुट्टी चाहिए, अगस्त आई शैल वी मतलब हाइजली ओविग्लेड, ठीक है, आपका आज्ञाकारी शिष्य योर ओविडेंटली पीपुल, ठीक है, योर ओविडेंटली पीपुल, और यहां आपका बहुत मतलब आभारी रहूंगा, ठीक है, हाइजली ओविग्लेड, तो यहां योर ओविडेंटली पीपुल एक्स वाई जेड, अपना नाम मत लिखना बच्चा, अपना नाम मत लिखना, एक्स वाई जेड लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्लास्ट लिख देना और यहां डैट, बस ये है एक सबसे सही तरीका एप्लीकेशन लिखने का और बहुत शॉर्ट तरीका, मैं ज्यादा लॉन्ग भी नहीं बताया हूं और आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा, ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग भी नहीं है, कितना
आसान तरीके से मैंने ज्यादा ज्यादा 5-6 लाइन में खत्म कर दिया। और ऊपर तो ये सारा सब में करना पड़ता है, टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, फिर सब्जेक्ट, ये सारा डालना पड़ता है। अब देखो कॉमन क्या चीज है, लाइक अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखना है, किसी पर भी एप्लीकेशन लिखना है, तो आपको ये ऊपर वाला लाइन डालना पड़ेगा, टू फिर द प्रिंसिपल एस डी इंटर कॉलेज वजीरगंज, जो आपके स्कूल का नाम हो, ठीक है। फिर सब्जेक्ट आप लोगों को डालना होगा, लेकिन सब्जेक्ट भाई अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा कट करके सब्जेक्ट आप छोटा सा डाल दो। फिर सर रिस्पेक्टफुली आई वेट टू से दैट, इतना भी लिखना पड़ता है, ठीक है, हर एक एप्लीकेशन में। और फिर नीचे नीचे इतना आप लोगों को आई सेल बी हाइजली ओबिलेट योडोबिडेंटली पुल एक्स वाई जेड क्लासरूम, इतना हर एक एप्लीकेशन में लिखना पड़ता है। बीच में आप लोगों को अपने भाषा में अच्छे से जो याद किया है उन सबको लिख डालो, ठीक है, समझ में आया। तो ये हमारा है पहला एप्लीकेशन। अब इसमें से मैं एक और एप्लीकेशन लूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आई रिक्वेस्ट कि उसको तैयार कर लेना, ठीक है। ये मैंने लिखा है, देखो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड बैट्स। तो इसको आप लोग कैसे लिखोगे, बहुत आसान है नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान नहीं है, इसको आप लोगों को समझना होगा। देखो सबसे पहले मैंने यहां लिख दिया पहले ही कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर गेम्स टीचर फॉर अरेंजिंग रेगुलर इवनिंग गेम्स इन द कॉलेज एंड इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड टू बैट्स, ठीक है। तो सबसे पहले यहां आप लोगों का गेम्स टीचर है तो गेम्स टीचर लिख देना, ठीक है, अगर क्लास टीचर है तो क्लास टीचर लिख देना, प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल लिख देना, इसमें गेम्स टीचर है तो सबसे पहले टू लगाना, फिर यहां कॉमा लगा देना, ठीक है, कॉमा लगाने के बाद द गेम्स टीचर, फिर यहां कॉमा लगा देना, ठीक है। फिर आप लोग अपना स्कूल का नाम, जैसा मैं चेंज कर दिया हूं, ठीक है, स्कूल का नाम कुछ भी लिख सकते हो, एग्जामिनर को यह नहीं पता है कि बच्चा किस स्कूल से पढ़ रहा है, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां वी ए वी इंटर कॉलेज, ठीक है, कॉलेज मेरठ। अब यहां सब्जेक्ट को मेकिंग रेगुलर अरेंजमेंट फॉर इवनिंग गेम्स, मतलब ये जो बनाया गया किसके लिए, कि रेगुलर आए अरेंजिंग करें जो इवनिंग गेम्स के टीचर हैं, ठीक है। देखो अब सबसे पहले आप लोग लिखना सर, लिखने के बाद विथ ड्यू रिस्पेक्ट, यानी कि रिस्पेक्ट के साथ बता रहा हूं, आई वेक टू से दैट मेनी स्टूडेंट, कई सारे स्टूडेंट जो हैं ऑफ द कॉलेज, हमारे स्कूल के, हमारे कॉलेज के, विश टू प्ले क्रिकेट, उनका विश है, उनकी इच्छा है क्रिकेट खेलने का, मैच खेलने का, इन द कॉलेज ग्राउंड, जो कॉलेज में ग्राउंड है उसमें, ठीक है, कॉलेज ग्राउंड में मैच क्रिकेट खेलने का, बट देयर आर नो अरेंजिंग फॉर रेगुलर इवनिंग गेम्स टीचर, लेकिन ऐसा है ना कि मतलब जो इवनिंग गेम्स के टीचर हैं वो डेली रेगुलर अरेंज नहीं होते हैं, डेली नहीं आते हैं, तो इसलिए लिखा जा रहा है, आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू मेक अरेंजमेंट फॉर रेगुलर गेम इवनिंग गेम्स टीचर्स, मतलब मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो डेली गेम्स टीचर्स जो है डेली अरेंजमेंट हो। आल्सो प्लीज इशू टू क्रिकेट बॉल्स एंड टू बैट्स, मतलब जो दो क्रिकेट बॉल्स इशू है, मतलब उनको दिया जाए ताकि हम अच्छे से क्रिकेट खेल सकें, और दो बॉल्स, ठीक है, दो क्रिकेट बैट्स और दो क्रिकेट बॉल्स को दिया जाए, क्यों, इन माय नेम, हमारे नाम पर अगर कुछ होगा तो मेरी, मतलब मेरा गलती होगा, ठीक है। तो ये है, अब आप लोग बस इतना लिख देना, हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। फिर यहां लिखना योर एविडेंटली एक्स वाई जेड, योर एविडेंटली एक्स वाई जेड थैंकिंग यू लिख देना, ठीक है। फिर यहां डैड और यहां आपका एक्स वाई जेड, जो आपका नाम है लेकिन एक्स वाई जेड ही लिखना, क्लास 10, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोगों को दूसरा एप्लीकेशन लिखना है। तो यहां मैंने आपको दो एप्लीकेशन बता दिया, अब आप लोग कोशिश करना ये तीन एप्लीकेशन तैयार करने का, आपको हर एक बुक, हर एक गाइड, हर एक जगह मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो मैंने बता दिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और तीन और जो है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन सबको तैयार कर लेना, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कर देना, एक और बता दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना, और आप लोग कमेंट कर देना इंग्लिश का, और इसके बाद कौन सा टॉपिक चाहिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।